नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल डेल्टा ट्रेडिंग ऑफिशियल में। तो चलिए इस वीडियो में बात करेंगे कि बैंक निफ्टी का आज मंडे के दिन इंट्राडे में मोमेंटम कैसा था और उसे अपन कैसे कैप्चर कर सकते थे, और उसके बाद बात करेंगे कल ट्यूजडे के लिए इंट्राडे के लिए ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स अपन को देखने को मिल सकते हैं जिनके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे अपन को बहुत अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। तो चलिए इस प्राइस एक्शन वाले एनालिसिस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, जहाँ पे आपको डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शंस की वीडियो मिलती है, और साथ में हर सैटरडे को हम वीकली एनालिसिस डालते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और संडे को क्रूड ऑयल की वीकली एनालिसिस और नेक्स्ट वीक के लिए इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ऐसे एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब। तो दोस्तों, अपन है बैंक निफ्टी के 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम के चार्ट में, और आज एक अपन को फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलती, उसके बाद फर्स्ट 15 मिनट्स तक अपन को रेंज बनाते हुए देखने को मिल रहा था। उसके बाद देखेंगे तो एक अपन को डाउन साइड का एक कंसोलिडेशन मोमेंटम देखने को मिला, साथ ही साथ एक अपन को ये वाली ट्रेंड लाइन भी बनती हुई देखने को मिली थी। जैसे ही वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला 11:15 वाली कैंडल से, वहां से एक अपन को छोटा सा स्कैल्पिंग मूव देखने को मिला अराउंड 116 पॉइंट्स के आसपास का। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे अपन को सिर्फ यहाँ पे एक साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला है, और ऐसे साइडवेज मोमेंटम में अपन को सिर्फ प्रीमियम डीके ही देखने को मिलेगा, क्योंकि एक अपन को छोटी रेंज में कंसोलिडेशन मूव करते हुए देखने को मिल रहा था बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी की लास्ट में सेकंड हाफ में फाइनल क्लोजिंग देखने को मिली है 52,520 के लेवल के आसपास की, जिसमें कि एक पॉजिटिव बात अपन को ये देखने को मिली है कि 52,500 के साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो ये था बैंक निफ्टी का मंडे के दिन का इंट्राडे का मोमेंटम का एनालिसिस। अब चलिए पहले चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में, और वहां देखेंगे कि लॉन्ग टाइम फ्रेम में कैसा क्या प्राइस एक्शन बना रहा है बैंक निफ्टी। तो दोस्तों, अपन आ गए बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में, और जो हमें आज की कैंडल देखने को मिली है वो एक अपन को बुलिश कैंडल बनती हुई देखने को मिल रही है। पर जो हमें बुलिश इंपॉर्टेंट लेवल जो अपसाइड में देखने को मिलेगा वो इस लेवल के ऊपर ही बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा, जो कि है लेवल अराउंड 53,180 का साइकोलॉजिकल लेवल। अगर इसके ऊपर एक हमें बुलिश कैंडल क्लोजिंग देखने को मिलती है तो एक अपन को अच्छा अपसाइड का एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जिसमें कि फिर जो सीधे अगले टारगेट रहेंगे वो रहेंगे 53,500 के साइकोलॉजिकल लेवल तक के। बीरिश मूव की बात करें तो डाउन साइड का मोमेंटम तभी देखने को मिलेगा जब इस लेवल के नीचे हमें जाते हुए देखने को मिले, जो कि है 52,000 का साइकोलॉजिकल लेवल। अगर इसके नीचे डेली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग करता है तो एक अपन को यहाँ से डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जिसमें कि फिर सीधा टारगेट अपना ये वाले स्विंग तक का देखने को मिल सकता है, जो कि है 51,140 के लेवल के आसपास का। और जब तक इन दोनों लेवल के बीच में मोमेंटम करे, यहाँ पे एक अपन को साइडवेज या फिर बोल सकते हैं वॉलेटाइल मूव बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो ये था बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस कि अपन को आने वाले दिनों में कैसे क्या मोमेंटम और कहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अब चलिए चलते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, और वहाँ डिस्कस करेंगे कल ट्यूजडे के लिए इंट्राडे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो दोस्तों, अपन आ गए हैं बैंक निफ्टी के 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के चार्ट में। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि बियरिश मूव अपन को कहाँ देखने को मिल सकती है। डाउन साइड की मोमेंटम अब तभी देखने को मिलेगी जब इस लेवल के नीचे हमें ब्रेकडाउन करते हुए देखने को मिले, जो कि है 52,338 का लेवल। अगर इसके नीचे जाता है तो एक अपन को डाउन साइड की मोमेंटम देखने को मिल सकती है, जिसमें कि फर्स्ट टारगेट 52,166 तक के देखने को मिल सकते हैं, और अगर ये लेवल का भी ब्रेकडाउन करें तो सीधे फिर अपना अगला टारगेट 52,000 का साइकोलॉजिकल लेवल तक के देखने को मिल सकते हैं, और जो अपना थर्ड टारगेट रहेगा वो रहेगा फिर सीधे ये वाला स्विंग लेवल, जो कि अराउंड 51,809 के आसपास का लेवल, और अपना फाइनल टारगेट रहेगा ये वाला लेवल, जो कि है 51,500 का साइकोलॉजिकल लेवल। तो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे डाउन साइड में, अगर 52,340 के लेवल को डाउन साइड में ब्रेकडाउन करता है बैंक निफ्टी तो। अब चलिए देखते हैं बुलिश मूव अपन को कहाँ देखने को मिलेगी। बुलिश मोमेंटम अपन को तभी देखने को मिलेगी जब इस लेवल के ऊपर हमें ब्रेकआउट देखने को मिले, जो कि है 52,875 का लेवल। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो एक अपन को यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जिसमें कि फर्स्ट टारगेट 53,000 का साइकोलॉजिकल लेवल देखने को मिल सकता है, और अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर सीधे अपना अगला टारगेट ऑल टाइम हाई लेवल देखने को मिल सकता है, और अगर इस लेवल को भी ब्रेकआउट करता है तो फिर सीधे फिर जो अपना अगला टारगेट रहेगा वो रहेगा 53,350 का लेवल, और अपना फाइनल टारगेट रहेगा 53,500 का साइकोलॉजिकल लेवल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे अपसाइड में, अगर 52,874 के लेवल को अपसाइड में ब्रेकआउट करता है बैंक निफ्टी तो। अगर बैंक निफ्टी इस रेंज में मोमेंटम करे, जो कि है ये वाला रेंज, तो यहाँ पे एक अपन को साइडवेज कंसोलिडेशन मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जिसमें कि सिर्फ अपन को प्रीमियम डीके ही देखने को मिलेगा। तो इसीलिए ऐसे जोन में ट्रेड करने से बचे जहाँ अपन को कोई भी ट्रेंडिंग मूव देखने को ना मिले, और किसी डायरेक्शनल मूव के लिए या तो पहले अपन इस लेवल के ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे, जो कि है 52,875 का लेवल अपसाइड में, या फिर डाउन साइड में 52,338 का लेवल ब्रेकडाउन करे तो एक अपन को अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है, जिस तरफ भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे बैंक निफ्टी। अब चलिए देखते हैं कोई इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन बन के आ रही है क्या, तो उसे भी अपन मार्क करने की कोशिश करेंगे। अपसाइड से ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो ऑल टाइम हाई वाले पॉइंट को अगर अपन एक कंसीडर करें और ऐसे एक्सटेंड कर दे तो एक अपन को अच्छी ट्रेंड लाइन अपसाइड में रेजिस्टेंस की तरह काम करती हुई देखने को मिल रही है। और वही अगर डाउन साइड से करेंगे तो अगर इस पॉइंट से ट्रेंड लाइन बनाना शुरू करें और ऐसे एक्सटेंड कर दें तो डाउन साइड के लिए भी एक अच्छी ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है। तो जिस तरफ भी ट्रेंड लाइंस का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे उस तरफ एक अपन को अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो इन इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइंस को आप अपने चार्ट पे जरूर मार्क करें।
और किसी बड़े गैप अप या फिर गैप डाउन ओपनिंग की सीनारियों में अपन को कुछ अच्छे प्राइस एक्शन के बनने का वेट करना पड़ेगा, या फिर कोई एक अपन को अच्छी रेंज बनती हुई देखने मिले और उस रेंज के अंदर अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिले और उस कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे एक अपन को अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेवल्स और एनालिसिस समझ में आएगा और आप इन लेवल्स को अपने चार्ट पे मार्क करके रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के हिसाब से एजुकेशनल यूज़ के लिए मार्क करेंगे। हमारे फ्री एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें, जहाँ हम इंट्राडे के लिए लेवल्स, ट्रेंडलाइंस और एजुकेशनल चार्ट्स पोस्ट करते हैं। तो हमारे फ्री एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।